मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दो भाइयों को गोली मार दी गई। आन-फान में दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर एक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किस किस को लगी है? दो भतीजों के मेरे, मतलब ये क्या, एक जाफर है और एक जुगा। कहाँ कहाँ लगी है? एक के यहाँ लगभग और एक के बाजू पर था खून। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं देहात के, उनसे क्या आपके पर संबंध है? वो मेरे चाचा हैं समाजवादी के, जो मगर मैं बीजेपी में हूँ और लगभग 25 सालों से हूँ, और मैं अपने उसी बिना पे लोग बाग में से ज़्यादा रंजिश रखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं भाजपा का हूँ इस लिहाज से। अच्छा, तो आप रईस कुरैशी साहब अल्पसंख्यक महानगर मुरादाबाद के जो है मकबूल महानगर देते, इस बात की रंजिश को लेके भी क्या बोली? बिल्कुल, बहुत बड़ी रंजिश है ये, क्योंकि मैं मतलब ये कि प्रचार जो भी करता हूँ वो भाजपा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 2-4 वोट 100 वोट 500 वोट भाजपा को पड़े, ये अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। तो इस बार के चुनाव में भी क्या आपने भाजपा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की रंजिश को लेके। और क्या रंजिश है इनकी, इनकी रंजिश क्या है? यही रंजिश है कि आपने भाजपा को जी, हाँ, ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई बदमाशी नहीं करे, कोई नेतागिरी नहीं करे। ये नेतागिरी बदमाशी की करते हैं सब, सब दलाल हैं, चरा अफीम बेचते हैं। तो आपकी जो आज ये गोलीबारी, तो ये मानते हैं कि भाजपा को वोट दिलाना इसका कारण है? बिल्कुल, कारण ये है, मजबूर, मतलब और क्या मजबूरी मेरे सामने, यही मजबूरी, वरना और क्या काम है मेरा, कोई इनका कारोबार ऐसा नहीं, मेरा नंबर एक का कारोबार है, ये बाहर वोट लग रहे हैं देख लो, मेरा नंबर एक का कारोबार है, मेरा बच्चा को 19-20 काम नहीं करता। अब जिनकी गोली लगी अब वो लोग कहाँ हैं? वो अस्पताल लोग गए, हॉस्पिटल गए हैं, वो वहाँ से बताया, रेफर करा किसी और अस्पताल। मुख्य आरोपी कौन है जो इस वक्त घटना में शामिल? मुख्य आरोपी जो है ये बदमाश लोग हैं सब, गोली मारने वाला, गोली मारने वाला दानी से एक तो, और एक राजू है, राजू का ओरिजिनल नाम पता है, एक तलवा है, तलवा जो है तेरी मेरी चमचागिरी करता, कभी उसकी डिलीवरी, कभी उसकी डिलीवरी, कभी उस कप्तान का कुछ, कभी उस कप्तान के वहाँ कुछ पहुँचाना, वो एक जमाने से उसका काम है, पीछे दरख्वास्त भी उसके वालिद ने भी दी थी उसके खिलाफ। अच्छा, जिस वक्त गोली चली तो कोई चश्मदीद यहाँ था? हाँ, सब थे, हम लोग थे मौजूद। तो क्या थे? देसी रिवॉल्वर थे और इन पे इंग्लिश एक पे तो मेरे ख्याल से इन पे इंग्लिश भी था, चलाई नहीं, इंग्लिश ने चलाई, देसी जब चलाई है, इन पे पूरा असला रहता है, इन पे बहुत बहुत असला है। इनके पहले आपराधिक रिकॉर्ड और भी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार वाले, मालूम करें आप थाना। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो परिवारों में झगड़ा चल रहा है, उसी में तीन भाइयों द्वारा दो सगे भाइयों की गोली मार दी गई है, जिनमें एक के कंधे पे गोली लगी है और एक के सीने में गोली लगी है, दोनों का अस्पताल एडमिट कर दिया गया है और इनकी सूचना तहरीर के आधार पर विवेचना की जाएगी। सर, विवाद क्या था, क्यों गोली मारी? 85 मीटर के प्लॉट को लेकर इनका आपस में आमने सामने पड़ोसी हैं, इनका विवाद चल रहा था, इसी संबंध में गोली मारी। सर, आरोपी और जो व्यक्ति में जो पीड़ित है जिसके वो, ये आपस में जिससे लड़ने किया, ये सब अभी जांच में आएगा, अभी इस संबंध में पूरी जानकारी। सर, किसी विधायक के रिश्तेदार बताया जा रहा है कि आप क्या, ये अभी सब जानकारी में नहीं आया है, ये सब विवेचना के दौरान जो भी आएगा उसको बताया जाएगा। गिरफ्तारी है सर, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ, तो क्या अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर याद चाहिए। ठीक है।